आइए, आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार विचार की और कृति की बीमारी, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। इसके बारे में ये वीडियो है। ये जो बीमारी है जिसमें बार 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 विचार आते रहते हैं, एक ही विचार बार 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 आता है, और वो विचार कभी कभी कृति में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसको विचार ऐसा आता है कि हाथ गंदे है, और फिर वो हाथ गंदे ऐसा बार बार विचार आता है, तो फिर बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है, वो कृति चालू हो जाती है। या उसको लगता है कि मैं गंदा हूँ, तो गंदा हूँ तो लैट्रिन से बाहर आने के बाद में भी बार 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 धोना पड़ता है, या मैं गंदा हूँ पूरा बदन गंदा है तो ये अपना स्नान जो करते हैं तो स्नान भी उनको करने के लिए एक एक दो दो तीन तीन घंटे लगते हैं। वो पूजा पाठ जो है वो दो दो तीन तीन घंटे पूजा करेंगे। मतलब कोई भी कृति उनको करना है तो उनको ऐसा लगता है कि वो कोई भी मतलब कृति वो पूरी हुई नहीं है, कोई भी विचार है इतना बार 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 आता है कि विचार आने का इतनी एंग्जाइटी इतना टेंशन आता है कि वो कृति करने बिना वो कृति किए बिना उनको अच्छा लगता नहीं है। कुछ लोगों को सिर्फ विचार आता है, कुछ लोगों को विचारों के बाद में कृति करनी पड़ती है। तो लॉग बार 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 चेक करना, या जो मतलब टाइल्स लगाई हुई है वो टाइल्स को चेक करना, या मतलब वो टाइल्स का जो जॉइंट रहता है उसके ऊपर पैर नहीं रखना, या जब स्टेयर केस जो जीना जब चढ़ते हैं या उतरते हैं तब जो स्टेयर्स है पैर है वो गिनना, वो गिनते जाना, बार बार हाथ धोना, बार बार वही सेक्स के बारे में विचार आना, गंदे गंदे सेक्स के बारे में विचार आते रहते, भगवान के बारे में विचार गंदे गंदे आते रहते, माँ के बारे में विचार गंदे गंदे आते रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को हाथ धोना या खुद को खुद का स्नान करना या घर साफ करना बार बार, मतलब घर में लोग आने देते नहीं बाहर से, वो कोई बाहर से आ गया तो हाथ साफ करो, पैर साफ करो, नहाओ, बाद में आ जाना, कपड़ों को हाथ लगाया नहीं, गीले कपड़े मतलब सूखने के लिए डाल देंगे, ऐसा उनको ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर यदि पुरानी हो जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में हमारे पास में जब लोग आते हैं तब तो उसको ट्रीट करना बहुत कठिन हो जाता है, मगर वो जल्दी आ गए तो 2-4 महीने में ऐसा हुआ, 1 महीने में ऐसा हुआ या साल भर में ऐसा हुआ, तो उनको बिना दवाई का अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए बिना दवाई का मतलब क्या करते हैं हम, तो उनको मैं सम्मोहन उपचार सिखाता हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाता हूँ, स्व सम्मोहन, उसके साथ साथ काउंसलिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक टेस्ट हमने डेवलप की है हमारे रिसर्च से, वो हम उनको टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद में हमको उनका जो व्यक्तिमत्व है उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। ज़्यादातर हम लोगों को उनके फैमिली के साथ में बुलाते हैं कि फैमिली के साथ में आ जाओ, क्योंकि पेशेंट अकेला पेशेंट बन गया मगर उसके पीछे बाकी सारा बैकग्राउंड होता है फैमिली का, और वहाँ क्या प्रॉब्लम है वो भी असेस करना पड़ता है, उनको हम बुलाते हैं। और बाद में फिर उनको सेल्फ हिप्नोसिस सिखा कर, सेल्फ हिप्नोसिस मतलब स्व सम्मोहन सिखाना, उसकी प्रैक्टिस घर में कैसे करना वो बताना, और उसके साथ साथ फिर काउंसिलिंग। तो काउंसलिंग ये होती है कि देखो विचार जो है वो विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, और विचार जब ऑटोमेटिक आते हैं, ये मशीनरी है ब्रेन की जहाँ विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर जब विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आपने विचार लाए नहीं है, तो आप विचार कैसे गंवा सकते हैं या कैसे गायब कर सकते हैं, आप खुद तो गायब नहीं कर सकते। जब विचार ऑटोमेटिक आते हैं, बिना आपके कंट्रोल के अंदर विचार आते रहते हैं और वो मशीन ऑटोमेटिक विचार तैयार करती है, तो विचार जाना भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी आप अपने आप जाएंगे, मगर आप जितना उसके ऊपर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा ख्याल देंगे, उतने वो विचार ज़्यादा ज़्यादा होते रहते हैं। तब उनको जो ट्रीटमेंट बताते हैं वो बिहेवियर थेरेपी बताते हैं। बिहेवियर थेरेपी में मतलब वर्तणूक जो है, बर्तन जो है उसका उपचार करना। फिर एवर्शन ट्रीटमेंट है, वो एवर्शन ट्रीटमेंट से उनका उपचार करते हैं, स्व सम्मोहन से उपचार करते हैं, मेडिटेशन से उपचार करते हैं, काउंसलिंग से उपचार करते हैं। तो अलग अलग ये बिना दवाई का, क्योंकि दवाई इसके लिए जो देते रहते हैं वो है क्लोमिप्रामिन, फ्लॉक्सेटिन या फ्लूवोक्सामिन, ऐसी दवाइयाँ देते रहते हैं, मगर दवाई के साइड इफेक्ट भी काफ़ी होते रहते हैं और फिर लोग दवाइयाँ लेते नहीं हैं। कभी कभी रेस्पिरेडॉन ये दवाई भी उसके ऊपर ट्रायल करके दी जाती है। क्या होता है कि क्लोमिप्रामिन फ्लॉक्सेटिन ये दवाई बहुत ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है और उसके साइड इफेक्ट होने के कारण फिर पेशेंट दवाई लेना बंद कर देता है। तो इसके लिए कम से कम दवाइयाँ, यदि पेशेंट की इच्छा नहीं तो हम दवाई देते भी नहीं है, और सिर्फ उसको काउंसिलिंग करके, स्व सम्मोहन उपचार करके उनका इलाज, और फैमिली का काउंसलिंग करके उनका इलाज होता है। हमारे यहाँ लोग ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कॉल करते रहते हैं, नीचे नंबर दिए वहाँ आप कॉल कर सकते हैं, तो ऑनलाइन काउंसलिंग करके हम उनको पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। फैमिली को
पेशेंट के साथ में हमारे यहाँ बुला के उनका इलाज करते हैं, उसके लिए उनको 6-7 दिन रुकना पड़ता है, और 6-7 दिन रुकने के बाद में सबको काउंसिलिंग करते हैं। पेशेंट में विश्वास जगाना, कॉन्फिडेंस जगाना, जो बार बार विचार आते हैं, निगेटिव थिंकिंग जो है उसको कम करना, उसको जो मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा आता है उसको ऐसा कम करना, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है अकोला में, एक हॉस्पिटल रिश्तारों के साथ में हम यहाँ भर्ती करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल रिश्तारों के अलावा हम भर्ती करते हैं पेशेंट लोगों को, इनका इलाज करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि आप भी हमारे ये संकल्प में, हमारे मिशन में पार्टनर बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति करके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।